हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक नॉलेजिक्स। गाइस, आज है मंडे और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नई वीडियो लेकर। और आज का वीडियो हमारा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं एक माइक्रोफोन। हाँ जी, एक ऐसा माइक्रोफोन जिसको आप अपने घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ कॉलर माइक यूज़ करना चाहें, कॉलर माइक यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू माइक यूज़ करना चाहें, इंटरव्यू माइक यूज़ कर सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि किस तरीके की आप इसकी बॉडी बनाते हैं और किस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। मैं आपको बेसिक उसका सर्किट बताऊँगा, बेसिकली कि बनता कैसे है, उसको मॉडिफाई करके किस बॉडी में आपको रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। बिकॉज एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं मोस्ट ऑफ आपको सर्किट्स ही बता सकता हूँ। बनाने के लिए बॉडी भी बनाई जा सकती है, सनबोर्ड को या कार्डबोर्ड को काट के बॉडी बनाई जा सकती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, बट मैं वो करना नहीं चाहता। अगर आप कहेंगे तो मैं बॉडी की भी वीडियो अलग से बना दूंगा, या फिर अगली वीडियो में विद बॉडी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मैं बना के दिखा दूंगा। बट इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बताऊंगा जिसको आप किसी भी बॉडी में फिट कर सकते हैं और वो प्रॉपर काम करेगा। एक अमेजिंग माइक्रोफोन हम बनाएंगे जिसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होगी, बहुत ही नाममात्र कॉस्ट में माइक बन जाएगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, अगर डायरेक्ट आप मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑडियो का लेवल चेंज होता रहता है। किसी जगह पे जब आपका फेस फ़ोन के बिल्कुल पास है तो अलग ऑडियो लेवल आएगा, अगर थोड़ा सा दूर हो जाए तो ऑडियो लेवल डाउन हो जाता है। तो इस माइक को यूज़ करके आप उसको कॉन्स्टेंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको ये प्रोवाइड करके देगा। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आज माइक का जो सर्किट है ये बना हुआ है एक छोटे से ओपैम्प आईसी LM358 के आसपास। बहुत सिंपल सा सर्किट है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट कैसे बनेगा। ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी है LM358, बहुत ही जनरल पर्पस आईसी है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने यूज़ भी किया है और इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो भी अवेलेबल है मेरा कि किस तरीके से वर्क करता है। ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 8 पिन आईसी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें इसकी पिन नंबर 8 है जो डेडिकेटेड है VCC के लिए, जहाँ से हम इस आईसी को सप्लाई देते हैं। और 4th नंबर पिन डेडिकेटेड है ग्राउंड के लिए। यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 2 पिन तो हमारी फिक्स हैं। अब इसके अलावा 6 पिन बची हैं, 3 इस साइड 3 इस साइड। इन 6 पिन्स में 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगे हुए हैं, या फिर आप कह सकते हैं 2 कंपैरेटर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, जिसमें से इसका एक कंपैरेटर है जो 3rd नंबर और 2nd नंबर उसकी इनपुट है, और इस तरीके से कंपैरेटर का सिंबल होता है, और 1st नंबर उसकी आउटपुट है। इसी तरीके से यहाँ पे है 5 और 6 इनपुट है, 7 उसकी आउटपुट है। ये दोनों इनपुट हैं और ये आउटपुट है, जैसा इधर है वैसा ही है। और जो सिंबल्स होते हैं इनके, 3rd नंबर पिन इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन यानी कि प्लस वाली, 2nd नंबर पिन इन्वर्टिंग माइनस वाली, और 1st वाली आउटपुट ये रहेगी। आज हम माइक बनाने के लिए इस आईसी को यूज़ करेंगे तो कंपैरेटर का ऑपरेशन ही हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इसकी सिर्फ एक साइड यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे सिंगल साइड यूज़ कर रहे हैं, ये वाला साइड हम सारा खाली छोड़ देंगे। पावर और ग्राउंड तो देना ही देना है, उसके अलावा ये 3 पिन हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस जो इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है, प्लस वाली पिन है, इसके ऊपर एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करनी है। तो अगर हम पावर सप्लाई के ऊपर इसको 5 वोल्ट दे रहे हैं तो हमें रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे हाफ चाहिए, उससे 2.5 वोल्ट चाहिए। अगर 6 वोल्ट दे रहे हैं 3 वोल्ट चाहिए। वाइड रेंज इनपुट है, आप 1-2 वोल्ट से लेके 8-9 वोल्ट तक इस आईसी को पावर दे सकते हैं, आपका माइक प्रॉपर काम करेगा। मैं रिकमेंड करूँगा जितना कम वोल्टेज आप देंगे, 2 वोल्ट 3 वोल्ट या 4 वोल्ट आप इतना दीजिए, तो ये ज़्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस देगा और नॉइस उतनी कम रहेगी। तो इस पोर्शन के ऊपर पहले तो हमें एक वोल्टेज डिवाइडर बनाना है रेफरेंस वोल्टेज सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के होंगे। अगर यहाँ पे मैं फोर्स पोज 5.6K का रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 5.6K का होगा, तभी ये दोनों वोल्टेज को प्रॉपर बीच में से डिवाइड करेंगे।
यहाँ पे VCC से कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला ग्राउंड से है। यहाँ पे आप 10K यूज़ कर सकते हैं, इधर ऊपर भी 10K होगा, नीचे भी 10K होगा। 4.7 यूज़ करेंगे, ऊपर ही 4.7, नीचे ही 4.7। इनका जो काम रहेगा बेसिकली वोल्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका जो रेफरेंस वोल्टेज हमने सेट कर दिया, टोटल VCC का हाफ आ जाएगा। अब हमें चाहिए एक सिग्नल जो कि इसकी इन्वर्टिंग पिन के ऊपर आएगा। इन्वर्टिंग पिन के ऊपर हमारा ऑडियो सिग्नल देंगे हम। ऑडियो सिग्नल देने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक माइक्रोफोन जहाँ से हम इनपुट देंगे। माइक के भी दो टर्मिनल्स होते हैं, ग्राउंड होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो ग्राउंड वाला तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव वाले को हम एक रेजिस्टेंस लगा के VCC के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आप सेम जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया वही लगा सकते हैं, 5.6K। यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसके बीच में ये जो पॉइंट हमारे पास बना है, जंक्शन बना है, इस पॉइंट से हम अपना ऑडियो का इनपुट उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइक है जो लगाओ, यहाँ से इनपुट जब सिग्नल देगा इस पॉइंट से आउटपुट देगा ये, तो यहाँ से हम उठाएंगे। यहाँ पे हम फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा देंगे इसके सीरीज में, ताकि DC जो वोल्टेज यहाँ से आ रही है वो आगे पास ना हो, जो हमारा एनालॉग ऑडियो सिग्नल है सिर्फ वही पास हो। एक छोटा सा कैपेसिटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा देंगे। 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि यहाँ से कनेक्शन आने हैं। तो इसके बाद हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K का, और इसके साथ एक बड़ा रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 2.7 मेगा ओम, आप कोई भी लगा सकते हैं, एक बड़ी वैल्यू का रेजिस्टेंस। इससे भी एक वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, तो इस वोल्टेज डिवाइडर से जो इनपुट आएगी उसको हम पिक करके इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर दे देंगे। मीन्स यहाँ से हमारा ऑडियो सिग्नल आ रहा है वो इस पर पहुँच जाएगा। रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पर आ गई, ऑडियो सिग्नल यहाँ पे आ गया, और ये जो हमारा इस 1 मेगा ओम लगा देता हूँ यहाँ पे मैं, आप 2 मेगा ओम भी लगा सकते हैं जो अवेलेबल हो। तो यहाँ पे नॉर्मल एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 1K का। तो अभी इस पॉइंट को हमें कनेक्ट करना है इसके आउटपुट के साथ, ताकि यहाँ पे ये फीडबैक पाथ बन जाए। तो यहाँ पे जो आउटपुट है, पिन नंबर 1 है इसका आउटपुट, तो पिन नंबर 1 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। इस तरीके से आ जाएगा इसका फीडबैक, यहाँ से आ गया। तो ऑलमोस्ट हमारा सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा, बस अभी हमें आउटपुट लगानी है जिससे हम ऑक्स केबल कनेक्ट कर सकें या फिर एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकें, जहाँ पे हम अपना ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई होने के बाद सुन सकें। तो यहाँ से हम आउटपुट के लिए एक टर्मिनल उठा लेते हैं, फिल्टर आउट के लिए फिर हम एक कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ से हम आउटपुट उठा लेंगे, और दूसरी आउटपुट रहेगी हमारी ग्राउंड से। तो यहीं पर मैं ग्राउंड लगा देता हूँ, यहाँ से हम आउटपुट उठा लेंगे। तो इसके पास ये पोलराइज कैपेसिटर रहेंगे, तो इसका पॉजिटिव इस साइड रहेगा और इसका पॉजिटिव इस साइड रहेगा। सेम यहाँ पे भी 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हम यूज़ कर लेंगे। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा सर्किट रहेगा, जो यहाँ से ऑडियो इनपुट लेगा, उसको फिल्टर आउट करेगा, यहाँ पे इन्वर्टिंग पिन के ऊपर सिग्नल देगा, रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करेगा, जैसे ही वो हाई रहेगा तो आउटपुट के ऊपर आपको हाई सिग्नल मिल जाएगा, जो भी आपकी ऑडियो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। देन इसी को आप आगे एम्पलीफायर में दे सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में दे सकते हैं, कैमरा में दे सकते हैं, जहाँ से ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहें, या फिर जैसे लाउड स्पीकर माइक्रोफोन्स होते हैं या इंटरव्यू माइक्रोफोन्स होते हैं, उसको आप लाउड करके सुनना चाहते हैं, तो वो काम भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा सर्किट है, तो चलिए इसको हम PCB के ऊपर बना लेते हैं, देन मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, बनाने में फ़ायदा है या फिर नहीं। मैं पहली बार ये सर्किट बना रहा हूँ, तो चलो PCB के ऊपर इसको ट्राई करते हैं। इस PCB बनाने के लिए ये सारे कंपोनेंट्स मेरे पास हैं। ये हमारे पास PCB के एक छोटा सा पीस है, इससे भी छोटा आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से सोल्डरिंग आती है तो। अदरवाइज़ आप मेरी सोल्डरिंग की वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है कि किस तरीके से सोल्डरिंग की जाती है, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा IC बेस है हमारा, जो कि LM358 IC को होल्ड करेगा। मैं IC को कभी भी डायरेक्ट सोल्डर नहीं करता हूँ, एक तो रीयूजेबिलिटी रहती है, दोबारा यूज़ कर सकते हैं और IC डैमेज भी नहीं होता है। इसके अलावा 1 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर्स, 1K का रेजिस्टेंस, 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस और 5.6K का रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप क्वार्टर वाट भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास क्वार्टर वाट अवेलेबल नहीं थे तो मैं ये हाफ वाट के रेजिस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ, जो 1K है वो क्वार्टर वाट का ही है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट तो बेसिकली क्वार्टर वाट की ही थी, बट उसके लिए मेरे को मार्केट भागना पड़ता, तो अभी जो मेरे पास अवेलेबल थे उसको यूज़ करके मैं बना रहा हूँ।
तो चलिए सोल्डरिंग शुरू करते हैं। सर्किट के अकॉर्डिंगली पहले तो मैं सारे कंपोनेंट्स के ऊपर अरेंज करके उनकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। जैसे मैंने बोला, अगर आपको सोल्डरिंग नहीं आती है तो सोल्डरिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ मेरी अवेलेबल हैं, तो उनको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। बिकॉज हर वीडियो में मैं सोल्डरिंग करके नहीं दिखा सकता, उससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं अभी जल्दी से पहले तो इन कंपोनेंट्स को प्लेस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्लेसमेंट दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके कनेक्शंस करेंगे। गाइस यहाँ पे मैंने ये सारे कंपोनेंट्स प्लेस कर लिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई भी कनेक्शंस नहीं बनाए हैं। जस्ट कंपोनेंट्स को प्लेस करके उनकी लेग्स को मैंने ट्रिम कर दिया है। अभी हम सबसे पहले तो मार्कर के साथ कनेक्शंस को ट्रैक करेंगे, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ कनेक्ट होनी है, जिससे आपको कनेक्शंस बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो यही काम हम कर लेते हैं। तो ये तरीका रहेगा, ये हमारे सारे पाथ बन के रेडी हैं। तो चलिए इसकी मैं अभी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद जो माइक रहेगा हमारा, हम ये कंडेंसर माइक्रोफोन यूज़ करेंगे नॉर्मली। तो इसके जो दो टर्मिनल्स थे उनके ऊपर मैंने ये दो कनेक्टिंग वायर सोल्डर कर ली हैं, जिनको हम आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम कर देंगे। और आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे एक ऑक्स केबल कनेक्ट करूँगा, जो कि ये रहेगी। ये एक 3 पिन वाली ऑक्स केबल है, इसकी 3 वायर्स हैं, जिसमें से स्पीकर वाली वायर मैंने एक्स्ट्रा अलग कर दी है, माइक वाली ये दो मैं यूज़ करूँगा, एक ग्राउंड है और माइक की है। ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो भी आपको भी यूज़ करने से पहले एक बार करके दिखा दूंगा कि किस वायर को कहाँ पे कनेक्ट करना है। उससे पहले मैं इसकी सोल्डरिंग करके इसके कनेक्शंस बना लेता हूँ। तो गाइस ये जो सर्किट है हमारा बन के रेडी है, ये कंपोनेंट प्लेसमेंट मैंने आपको दिखा दी थी। बैक साइड पर मैंने सोल्डर करके इसके कनेक्शंस बना लिए हैं, जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग करी थी सेम वहीं पर कनेक्शंस बनाए हैं। पावर सोर्स के लिए मैंने ये एक पावर सोर्स यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये 6 वोल्ट का पावर सोर्स है। इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसमें नॉर्मल 4 सेल लगे हुए हैं। आप कोई 2 सेल वाला 3 सेल वाला भी पावर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट 7 वोल्ट किसी भी पावर के ऊपर ये चल सकता है, जो इस आईसी की रेंज है। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबिलिटी थी ये 6 वोल्ट का सोर्स अवेलेबल था, तो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 फीमेल कनेक्टर्स लगाए हैं, एक में हम अपनी ऑक्स कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे में माइक कनेक्ट कर सकते हैं। डिटैचेबल रखा है मैंने, यहाँ पे ये माइक है, माइक को मैंने टू मेल वायर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे इसको सोल्डर किया हुआ है। और जो इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन है, ऑरेंज वाला, वो मैं कनेक्ट कर दूंगा इसके जो कि कैपेसिटर वाली साइड है उस तरफ। और जो येलो वाला पोर्शन है ग्राउंड वाला, इसको हम ग्राउंड की तरफ, ये नीचे कॉमन ग्राउंड है तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा माइक कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हमें अपनी ऑक्स केबल कनेक्ट करनी है। अब ऑक्स केबल अगर आप 3 पिन वाली देखेंगे तो इसमें ये जो 3 पोर्शन है, इसमें सबसे लास्ट वाला नीचे वाला होता है ग्राउंड, जो कि कॉमन रहता है, और सबसे जो टॉप वाला ऊपर वाला होता है ये होता है माइक के लिए। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इन वायर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो आइडेंटिफाई किया है कि ये वाली जो वायर है मेरी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और ये वाली जो है माइक वाले पोर्शन के साथ कनेक्टेड है। इसको चेक कैसे करना है वो आप मल्टीमीटर के साथ चेक कर सकते हैं, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीमीटर है जिसको मैंने कंटिन्यूटी पे सेट किया हुआ है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि एक वायर लीजिए, उसके एक पॉइंट पे इसे कनेक्ट कीजिए और दूसरा पॉइंट आप कनेक्ट कीजिए दोनों में से किसी भी वायर के साथ। अभी आप देख सकते हैं बीप आ रही है, दैट मीन्स ये वाला हमारा ग्राउंड है और टॉप वाला जो है वो ये रहा, ये हमारा माइक का टर्मिनल है। तो अब इन दोनों टर्मिनल्स को हम अपने सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं जैसे कनेक्ट होने हैं। जैसे कि इसका नीचे वाला जो है ग्राउंड के लिए है, तो ग्राउंड वाला मैं इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देता हूँ, और जो दूसरा वाला है माइक वाला वो उसको मैं ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये टर्मिनल भी हमारे कनेक्ट हो गए। अब लास्ट में हमें अपना आईसी लगाना है, तो ये मेरे पास LM358 आईसी है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये भी लग गया। तो हमारा जो माइक का सर्किट है वो बिल्कुल रेडी है, अभी हमें इसकी टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग के लिए इस जैक को मैं एक छोटे से एम्पलीफायर में लगाऊंगा, उसका स्पीकर होगा। इस माइक से हम जो भी बोलेंगे उस स्पीकर से आउटपुट हमें सुनाई देगी। जो मेरा कैमरा का माइक है उस स्पीकर के ऊपर मैं रख दूंगा ताकि आप इजीली उसकी ऑडियो सुन सकें। तो चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। इस टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा म्यूज़िक सिस्टम है जो कि गाड़ियों में यूज़ होता है, जिसमें यहाँ पे ये ऑक्स का एक पोर्ट है जिसमें हम अपना ये जो जैक है इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। इसको भी हमें अभी इसको हमें ऑक्स वाले मोड पे लेके आना है।
ये ऑक्स वाले मोड पे आ गया है। अब देख सकते हैं माइक के ऊपर जो मैं टैप कर रहा हूँ वो स्पीकर से साउंड आ रही थी। अब मैं अपना जो कैमरा का माइक है उसको मैं स्पीकर के ऊपर रख देता हूँ और इस माइक से मैं कुछ बोलता हूँ तो उसकी जो आवाज़ होगी आपको स्पीकर से होकर इस माइक के ज़रिए आपको सुनाई देगी। हेलो हेलो सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो वॉइस है वो स्पीकर से आ रही है। इसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है, ताकि आप अगर आप स्पीकर और एम्पलीफायर को इम्प्रूव कर लें। यहाँ पे बहुत बेसिक सा एम्पलीफायर मैं यूज़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको ऐसी क्वालिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट जो लाउडनेस है, मैं बहुत धीरे से बोल रहा हूँ और ये आउटपुट बहुत लाउड आ रहा है, जबकि एम्पलीफायर का जो वॉइस है मैंने बहुत कम रखा हुआ है। अगर इसको हम इंक्रीज कर दें तो ये और लाउड हो जाएगा। तो हमारा ये जो माइक है बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। छोटा सा स्पीकर है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, और जो नॉइस आ रही है बिकॉज मैं 6 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको कम कर देंगे 2 वोल्ट या 3 वोल्ट तो ये और इम्प्रूव हो जाएगा। जितनी ज़्यादा वोल्टेज रहती है उतनी ज़्यादा नॉइस इसमें रहती है, तो रिकमेंड करूंगा कि आप कम वोल्टेज के साथ यूज़ करें तो ये बेटर रिस्पॉन्स आपको देगा। सो फाइनली आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारा जो माइक है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या फिर किसी को भी बेनिफिट दे सकता है तो डेफिनेटली उसके साथ अभी शेयर कर दीजिए ताकि वो इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।